खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। डीएम पुलकित खरे व एसपी आलोक प्रियदर्शी ने सदर एसडीएम राकेश कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी नगर मुजय कुमार राणा, क्षेत्राधिकारी भगोली अखिलेश राजन के साथ भारी पुलिस बल के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सदर मालखाने का औचक निरीक्षण किया और वहां की सभी व्यवस्थाएं देखी। मालखाने के पड़ोस में बंदी गृह का भी जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही कलेक्टर परिसर में स्थित अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया। मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त रूप से सदर मालखाने का निरीक्षण करा गया, साथ ही साथ जो लॉकअप है यहाँ पे उसका भी निरीक्षण करा गया। लॉकअप पे जो ड्यूटियाँ लगी हैं उनको चेक करी गई। लॉकअप का विस्तारीकरण हो रहा है, उसका एस्टीमेट बन गया है, उसको भी देखा गया कि जल्द से जल्द सुशासन में भेज के लॉकअप का विस्तार करा जाए। सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था वहाँ पे चेक करी गई। अगर मालखाने की बात करें तो यहाँ पे जो जो सामान पड़े हुए हैं तमाम थानों से केस प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत उनको देखा गया। इन्वेंट्री एक बन रही है यहाँ पे, उस इन्वेंट्री को लेके निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से एक टीम पहले से गठित है जो इन्वेंट्री का काम कर रही है। साथ ही साथ कुछ स्पेस यहाँ पे खाली पड़ी हुई है जिनमें कूड़ा पड़ा हुआ है और व्यवस्था ठीक नहीं है, उस स्पेस का प्रयोग करते हुए है इस मालखाने का भी विस्तारीकरण जरूरी है क्योंकि मालखाना ओवरलोडेड है, बिल्डिंग भी पुरानी हो चुकी है, तो इसको लेके एस्टिमेट बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जल्दी एस्टिमेट बनने के बाद यहाँ पे नए बिल्डिंग के विस्तारीकरण का काम शुरू हो पाएगा। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।